नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष केंद्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेष राशि के बारे में। मेरे आने वाले जो वीडियो है वो उनमें आप बाकी की राशियों के बारे में जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय की। तो ये वर्ष आपको सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने में सहायक होगा, लेकिन यही आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ाने वाला भी रहेगा। यदि आप कारखाना मालिक हैं तो लेबर या मशीनरी से संबंधित समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आपके कार्य क्षेत्र में शनि शनि यानी धीरे धीरे प्रगति का वातावरण बनेगा। अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति के क्षेत्र में कुछ सफलताएं मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। यदि आप सर्विस क्षेत्र में हैं, यानी कि आप कोई नौकरी करते हैं, तो आप अपने कार्य से विशेष सम्मान पा सकते हैं। यानी यदि आप शोरूम संचालक हैं, यानी कि आपका कोई शोरूम है, तो पिछले वर्षों की मंदी, जो कोरोना की वजह से जो मंदी हुई थी, उस मंदी को इस वर्ष बाहर निकल सकते हैं। यानी मतलब आपका जो शोरूम है वो इस साल अच्छा चलने के संकेत है। चलिए बात कर लेते हैं हम धन संपत्ति की, यानी कि आपकी जो आर्थिक स्थिति वो कैसी रहेगी। तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष आर्थिक आधार पर सफलता का क्रम जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो इस साल पहले की अपेक्षा अच्छी रहेगी। वहीं आप मकान भूमि के मामलों में उलझ सकते हैं। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं या कोई भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इसमें जरा सावधानी रखें, हो सकता है कोई परेशानी आपको आ सके। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसमें सतर्कता से निवेश करने में ही सफलता मिलेगी। मतलब आप कोई शेयर बाजार से संबंधित या कोई शेयर की खरीदी या बेचना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सतर्कता नहीं रखेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। चलिए बात करते हैं आपके घर परिवार और परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। तो अप्रैल से जून के महीने में घर या रिश्तेदारों में के यहाँ मांगलिक कार्य होने के कारण खर्च बढ़ेगा। जाहिर है, जब कोई मांगलिक कार्य होता है घर में तो खर्च बढ़ ही जाता है। संतान के लिए समय अनुकूल रहने वाला है, यानी कि अगर आप संतान की बात करें, जो आपकी संतान है, पुत्र हो या पुत्री हो, वो उनका समय अनुकूल रहेगा। साथ ही पारिवारिक दायित्व भी बढ़ेंगे, क्योंकि घर में अगर मांगलिक कार्य हो गए तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी घर वाले दे दें, जिसके कारण अनावश्यक ही वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, अगर आपके ऊपर कोई दायित्व सौंपेंगे तो आपको इन चीज़ों से बचना है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस साल। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्ष राहु के प्रभाव के कारण आपको बीपी की समस्या यानी ब्लड प्रेशर की समस्या या शुगर की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी प्रकार का टेंशन ना लें। अगर टेंशन लेंगे तो बीपी की समस्या भी बढ़ेगी और शुगर की समस्या भी बढ़ेगी, और साथ ही किसी वस्तु से घात आदि का भय भी बना रहेगा। यानी कि आपको काम करते समय ध्यान देना होगा कि किसी चीज़ से आपको लग ना जाए। चलिए हम बात करते हैं यात्रा और तबादले की। तो इस वर्ष आपका मन तीर्थ यात्रा का बन सकता है, यानी कि आप किसी तीर्थाटन पर जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए सुखद भी रहेगी। अगर आप जाते हैं तो ये यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही इस वर्ष आपकी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। हो सकता है आप किसी ऐसी फर्म में काम करते हैं जहाँ पर विदेश जाना जरूरी होता है, तो हो सकता है कि आपको इस वजह से विदेश यात्रा का योग बन जाएगा और ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद भी होगी। लेकिन यदि आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपका ट्रांसफर किसी दूरस्थ स्थान पर हो सकता है। यानी कि आप कोई नौकरी पेशा है, किसी फर्म में आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फर्म आपको किसी दूर स्थान पर ट्रांसफर कर दे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। चलिए बात करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा विधेय है तो वो किस प्रकार से रहेगी। तो ये वर्ष आपकी शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ष आपकी शिक्षा की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको की एकाग्रता से ही कार्य सिद्ध होंगे। यानी कि आप अगर फोकस रहोगे तो ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपको पूरे वर्ष एकाग्रचित होकर तथा मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाओगे।
चलिए बात करते हैं कि आप इस साल क्या उपाय करें जिससे कि सारी चीजें आपके फेवर में हो जाए। तो इस वर्ष आपको अगर अपने भाग्य का पूर्ण सहयोग चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आपके भाग्य आपका साथ दे, तो आपको गोमेद रत्न का धारण करना पड़ेगा। ये गोमेद रत्न एक रत्न होता है, उसको आपको धारण करना पड़ेगा तथा साथ ही हनुमान जी की आराधना करना शुभ होगा। अगर आप वृक्षारोपण करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। श्री यंत्र का पूजन करना तथा मंगलवार को लाल वस्तु का दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो जो भी कुछ अभी मैंने आपको बताया था वो सभी आपके पक्ष में होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट राशि यानी वृष राशि के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।